दोस्तों, जब कभी वफादारी का जिक्र होता है या जुबान पर चाहे अनचाहे कुत्तों का नाम आ ही जाता है, मगर आज हम इनकी वफादारी की नहीं बल्कि इनकी ही खूंखार नस्ल की बात करेंगे। नस्लों के आंकड़ों पर जाए तो दुनिया में करीब 340 से 345 नस्ल के कुत्ते हैं। गांव, देहात, शहरों के अलावा इन कुत्तों की डिमांड सुरक्षा एजेंसियों तक को रहती है। जंगलों में भी शिकारी कुत्ते इस मामले में मशहूर है। अपराधियों की धरपकड़ में कुत्तों ने बड़ी अहम भूमिका निभाई है। लेकिन शुरू करने से पहले जो नए दर्शक हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में दी गई घंटी को जरूर दबाएं ताकि आगे आप देख सके हमारे वीडियो सबसे पहले। पिटबुल, ये बड़ा खतरनाक किस्म का कुत्ता है। इतना खतरनाक है कि इस पर आप कमांड तभी पा सकते हैं जब आप इसके लिए प्रशिक्षण ले चुके हों। वैसे इन कुत्तों को इंसानी सबक सिखाने की कोशिश की जाती है ताकि इनका आक्रामक रवैया कम हो, जबकि इस कुत्ते की परवरिश पर कई देशों ने बैन लगा दिया है। ये अमेरिकी लोगों का पसंदीदा है। पिटबुल 16 से 30 किलो वजन का पाया जाता है। बीते साल इसके हमले से अमेरिका में 28 लोगों की मौत हो गई थी। ये बस 8 से 15 साल तक ही जीवित रहता है। आप 30 से लेकर 50,000 तक की अनुमानित राशि देकर इसे अपने घर ले जा सकते हैं, मगर सुनिए जनाब, सावधानी लाजमी है। मालाम्यूट, ये कुत्ता अमेरिका में पाया जाता है। ये कुत्ता कम और भेड़िया ज्यादा लगता है। 34 से 49 किलो वजनी ये कुत्ता बेहद अटैक नेचर का होता है। इसके बावजूद ये काफी समझदार, एनर्जेटिक भी होता है। ये आपकी रुतबे में 4 चांद तो लगा सकता है, मगर सावधान, अपना अपना मूड होता है जनाब। जर्मन शेफर्ड पुलिस वालों की पहली पसंद है। दिखने में लंबा और खूबसूरत है। ये अपने 30-40 किलो वजन के लिए काफी दबाव के साथ अपराधी पर अटैक करता है। इसके घातक हमले से बचना नामुमकिन ही है। जी हाँ, इस पर भी बैन है। आप चाहें तो इस जर्मन शेफर्ड को पालने वाले से इसका खतरनाक तजुर्बा पूछ सकते हैं। वैसे इसकी श्रवण शक्ति बहुत जबरदस्त होती है। इंद्रजाल कॉमिक्स के मशहूर चरित्र फैंटम उर्फ वेताल के पास जो कुत्ता था वो यही जर्मन शेफर्ड सरीखा था, हालांकि वो भेड़िया था। रॉटवेलर, 148 किलो के प्रेशर से हमला करने वाला ये कुत्ता बहुत ताकतवर होता है। ये आप पर तेजी से हमला करके काट सकता है। ये दुनिया की सबसे खूंखार प्रजातियों में से एक है। 1993 से लेकर 1996 तक कुत्ते के काटने से हुई मौतों का जिम्मेदार अकेला रॉटवेलर ही था। ये भी एक प्रतिबंधित कुत्ता है। 35 से 48 किलो वजनी ये कुत्ता अपनी पूरी शान से चलता है, तो लोग इसे खौफ से देखते रह जाते हैं। इंडिया में इसके पालन पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं, बशर्ते आप इसे अपने हदों में बांध के रखें। मजे की बात है कि रॉटवेलर का डीएनए भेड़िए से काफी हद तक मेल खाता है और जरूरत पड़ने पर यह शेर से भिड़ सकता है। आप तय करें आपको इसे पालना है या नहीं। डाबरमैन पिंचर, ये कुत्ता दिखने में बड़ा स्लिम ट्रिम दिखता है पर है बड़ा खतरनाक। वैसे भी ये डाबरमैन पुलिस वालों का चहेता कुत्ता है। आम घरों में पलने के बावजूद भी ये खतरनाक है। अजनबी लोगों के लिए ये काल बन जाता है। डाबरमैन अपने मालिक के लिए बेशक नरम दिल हो, मगर खराब मूड में तो ये आदमखोर भेड़िए की तरह है। पाबंदी तो इस पर भी है जनाब। ये 34 से 35 किलो के लगभग होता है। बुल मस्टिफ, 55 से 61 किलो तक वजनी ये कुत्ता अपने ऑनर को बहुत लाइक करता है। करीब 10 साल तक जीने वाले इस कुत्ते की टांगे अन्यों की अपेक्षा लंबी होते हैं। 1 लाख तक की कीमत तक पहुंचने वाला ये कुत्ता आक्रामक तो है ही, मगर जब आप इसे अपने साथ लेकर घूमते हैं तो दुनिया देखती रह जाती है। मालाम्यूट, ये खूबसूरत कुत्ता है मगर खूंखार भी। जो उत्तरी अमेरिका की नस्ल है, 50 किलो तक में पाया जाने वाला ये कुत्ता अकलमंद होने के साथ साथ ऊर्जावान भी होता है। 80,000 कीमत से 1 लाख तक बिकने वाला ये कुत्ता करीब 10 से 15 साल जीवित रहता है। वुल्फ हाइब्रिड, ये अजीब ही नस्ल का कुत्ता है जो भेड़िया और कुत्ते की मिलीजुली नस्ल से पैदा हुआ। इसकी आक्रामकता इसके मूड पर डिपेंड करती है। वजन भी गजब है, करीब 36 से 57 किलो। ये 13 से 16 साल तक जी पाता है। 1 लाख की कीमत है इस कुत्ते की और काफी खतरनाक है। बॉक्सर, अपने नाम के हिसाब से ही ये आक्रामक प्रतीत होता है, मगर ये आकर्षक ठिगने कद का कुत्ता है। इसके नस्ल का अनुमान 18 के दशक का लगाया जाता है। इसके शक्तिशाली जबड़े इसके शिकारी कुत्ता होने की दलील है। ये अड़ियल और शरारती भी होते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि सामने का दृश्य क्या है। खूंखार होने के बावजूद इस कुत्ते को बच्चों के साथ खेलना बहुत पसंद है। 27 से 32 किलो वजनी ये कुत्ता करीब 12 साल तक जीवित रहता है। इसकी कीमत 40 से 95,000 तक है। हुस्की डॉग, ये कुत्ता बर्फीले इलाकों में सलीज गाड़ी को एक पेशेवर खिलाड़ी की तरह खींचने का हुनर रखते हैं। यही वजह है कि इन्हें थोड़ा समझदार माना जाता है।
ये नस्ल ठंडे देशों में पाई जाती है। इसकी नस्ल को रूस का माना जाता है। वजन लगभग 20 से 27 किलो और उम्र 12 से 15 साल तक की होती है। अमेरिका में एक वर्ष में इसके काटने से लगभग 15 मौतें हो चुकी है। जाहिर सी बात है, बहुत खतरनाक है। ग्रेट डैन, बाप रे, बहुत ही भयानक कुत्ता है ये तो। इसकी शक्ल और इसका घूरना दोनों ही भयानक लगते हैं। क्रोधित हो जाने पर ये किसी को भी मौत के घाट उतार सकता है। दिखने में भी कातिल लगता है साला। इसकी लंबाई अधिक होती है। वैसे इसे घर में पालना खतरनाक हो सकता है। ये कुत्ता अपना नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवा चुका है, क्योंकि ये 7 फीट तक लंबा है और ये 90 किलो वजन का है और 10 साल जीवित रहता है। पालने से पहले इस कुत्ते का एडमिशन किसी प्रशिक्षण स्कूल में करवा दीजिएगा, वरना अपनी आफत खुद बुलवा लेंगे। फिर भी आप इसे खरीदना चाहते हैं तो आप इसे 55,000 से 80,000 में खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे खूंखार, समझदार, वफादार कुत्ते, जो अपनी अलग पहचान, अलग कीमत और खासियतों के लिए जाने जाते हैं। उम्मीद है आपकी नॉलेज में प्रोग्रेस हुई होगी। अगर आपको भी इनके बारे में कुछ पता था तो हमें कमेंट बताइए ना। जय हिंद, वंदे मातरम।